यही है करमचट डैम, जिसकी खूबसूरती हमें कई रील्स में, कई जगह बिहार टूरिज्म के पेज तक भी देखने को मिलती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ तेलहार कुंड में, और पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको विवरण मिल जाएगा कि यहाँ हम लोग कैसे आए और यहाँ का सीन क्या है। तो यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन तेलहार कुंड को पार करते हुए अब हम लोग चल रहे हैं कौन सा, करमचट डैम पे, जो कि यहाँ से करीब मोटी मोटा मान लिया जाए तो 40 किलोमीटर्स के अराउंड डिस्टिनेशन है। और हम लोग सब यहाँ बाइक पे हम लोग मौजूद हैं, लगभग मान लीजिए 40 to 1 आवर्स के आसपास समय लगेगा। तो चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से अब सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो करमचट डैम हम लोग आ चुके हैं, और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ करमचट डैम का। ये आप देख सकते हैं, ये करमचट डैम, इसमें 3 फाटक हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड और एक साइड उस साइड में, तो 2 फाटक आप यहाँ देख सकते हैं। इधर से इस साइड पूरा जलाशय हुआ है, और इस साइड वाटर रिजर्व होता है, और इस साइड में छोड़ा जाता है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और शायद गेट नंबर 3 यहाँ पर है। और ये आप देख सकते हैं पानी अभी रोक के रखा गया है, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम चला है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पानी उधर कहीं नहीं है, फाटक बंद है। दूसरे जगह पर देखते हैं, यहाँ पे ये गेट नंबर 2 ए है, ये भी क्लोज है और हल्का हल्का पानी छोड़ा जा रहा है। ये थिकनेस 4 मीटर, ये आप देख सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन दिखा गया है। और ये है 3, ये जो हल्का सा खोला गया है, और इसी रास्ते से नदी में और नहर में पानी यहीं से छोड़ा जाता है। तो ये रहा करमचट डैम पूरा, और ये आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ये यहाँ से, यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी व्यवस्था दे दिया गया है, तो आप यहाँ बोर आकर महसूस नहीं करेंगे। अगर ये सब देखना चाहते हैं तो हमारे ज़िले का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का लगभग वाटर सप्लाई, अगर बरसात के पानी से नहीं हो पाता है तो खेती वगैरह करने के लिए यहीं से पानी दिया जाता है, ताकि हम लोगों के गांव में सिंचाई वगैरह हो जाए। तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था सरकार की है, और ये बहुत दिन से है, और इसका नाम है, यहाँ पर लिखा गया है, जल संसाधन विभाग दुर्गावती जलाशय परियोजना। ये आप देख सकते हैं, ये कैमूर वन प्रणाली आश्रय रोहतास, यहाँ बगल से रास्ता भी है आगे और जाने के लिए। अगर आप गुप्ता धाम जाना चाहते हैं तो ये वाला जो रोड आपको दिख रहा है, ये गेट के अंदर से ही आप जा सकते हैं, पहाड़ से हट के। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच पहाड़ वगैरह भी है, ये सब ट्रैक्टर बाबा गुप्ता धाम से लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और भी लिखा है, हमें लगता है ये मीटर वगैरह है, क्या है, कुछ तो है मापने की है, आप समझ सकते होंगे बेहतर मेरे से। तो ये सब दिया गया है, 3 फाटक टोटल, और पूरा कैमूर रोहतास की सिंचाई की लगभग व्यवस्थाएं यहीं से हो रही है, तो बहुत अच्छी बात, और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ से भी और प्लान है आगे के चलने की, तो उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ऐसा ही वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक के नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।